हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए 10th और 12th के लिए साइंस की क्लासेस, और यहां हम लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन, जहां से कम से कम काफी मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से फंसता है। ठीक है, एग्जाम्स में ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चों, बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। देखें, सिंपल फ्लो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। देखें, कुछ बच्चों का मीनिंग रेस्पिरेशन से बैठ जाता है क्या, कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, यही रेस्पिरेशन कहलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, दो चीज आपके सामने होती है। अगर मैं आपको यहां पर डिस्कस करता हूं, देखें जरा, एक तो होता है रेस्पिरेशन जिसको आज हम स्टडी करेंगे, और साथ में कौन होता है, ब्रीथिंग। क्लियर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यहां से दो बातों का सिंपल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने कहा कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में पूछा भी गया है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। देखो, सिंपल सी बात यह है क्या, अगर मैं बात करूं जिसकी बारे में आप लोग बात कर रहे हैं कि सांस को अंदर लेना और छोड़ देना है, ये क्या कहलाता है, ये रामदेव बाबा का प्रयोग कहलाता है। चलो, वो तो है ही, लेकिन अपने सिलेबस की अगर हम बात करें, यहां पर एग्जाम में हमसे रामदेव के बारे में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, वहां सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। क्लियर आ गई बात समझ में? सीधी सी बात है, अपने सांस के सांस में जो अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं, ब्रीथ करते हुए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग। अब देखो, सिंपल सी बात क्या है, ये जो आपने ऑक्सीजन है ना, इस नाक के माध्यम मीडियम से आपने अपने बॉडी के अंदर लिए, अब ये ऑक्सीजन कहां जाता है और क्या काम करता है, ये यहां से ये स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सिंपल सी बात, ये ऑक्सीजन को जो हम अपने अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन सीधा सीधा ब्लड में मिक्स होता है। ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होगा इसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। जब ये ब्लड के अंदर जाता है तो याद रखना, इस फूड में से जो भी हमने खाना खाया है, उस फूड में से एनर्जी गेन करने का जो काम होता है वही रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर आ गई बात समझ में? चाहे वो ग्लूकोज के माध्यम से हो, चाहे वो पाइरूविक एसिड के माध्यम से हो, चाहे वो लैक्टिक एसिड के माध्यम से हो, मैं लिखूंगा अभी आपको सारी बातें। ठीक है, चलिए यहां पर ये पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चन मिलता है। चलो जी, अपनी बात स्टार्ट करते हैं यहां से। चले भैया लोग, आपको चीजें मेरे ख्याल से काफी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। बाकी किसी भी बच्चे को, किसी भी तरीके स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो सीधा हमसे बात कर सकता है ना। चले बात करते हैं आगे। अब देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सी बात है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है फूड इज बर्न्ड। देखो, अब यहां फूड के जलने से मतलब ऐसा नहीं है कि फूड को खाने पर रखकर आपने जला दिया। बर्न्ड का मतलब है कि फूड का डिवाइडेड होना अलग अलग पोर्शन में। ठीक है बच्चा लोग, चले जरा, फूड इज बर्न्ड इन अवर बॉडी बाय विच प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड हमारी बॉडी में जाने के बाद जिस फॉर्म में बर्न्ड होता है यानी कि डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट में, वही क्या कहलाता है, प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। सीधी सी बात अगर मैं करूं यहां से, मीनिंग क्या हो जाता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे, गेन एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी को प्राप्त करना क्या कहलाता है बच्चा लोग, रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फंस सकता है। इसके ऊपर क्लिक आप लगा लेंगे, हाईलाइट जरूर कर लेंगे, हाईलाइटर जो आता है उससे जिन जिन पॉइंट्स को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वहां क्लिक कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ की आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट बात आती है क्या, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन इनटू सेल्स। ये क्या काम करता है, आप जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, और ये ऑक्सीजन बॉडी में जाके किससे मिलती है, याद रखना, सेल्स में मिक्स होती है। किसमें, बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्ट जो सेल्स बने होते हैं उनसे जाकर ये मिक्स हो जाती है। लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन इनटू सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। इसका यूज क्या किया जाता है, एनर्जी को रिलीज करने में, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट CO2 एंड H2O फ्रॉम द बॉडी। ये क्या एलिमिनेट कर देता है बॉडी के अंदर से, क्या कर देता है, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है उसको क्या करता है, एलिमिनेट बॉडी से बाहर निकाल देता है। यही तो माध्यम है, यही तो कारण है कि ऑक्सीजन हम ले लिया और गिफ्ट में क्या दे दिया हमने, एनवायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर आ गई बात समझ में? अब देखिए इसकी एक इक्वेशन मैंने यहां पर बनाकर आपको अच्छे से क्लियर कराई है। देखो, फूड खाना आपने जो खाया है प्लस ऑक्सीजन आपके नाक के नोज के माध्यम से जो ली है, जो आपने खाना खाया है उसमें से ऑक्सीजन मिक्स होगी
और मिक्स होके किसको कन्वर्ट कर देगी, CO2 में कन्वर्ट करेगी, चलो जी बाहर निकाल देंगे उसको हम तुरंत के तुरंत अभी के अभी, H2O में कन्वर्ट करेगी, चलो जी इसको भी एग्जिट कर देंगे। बाद में क्या मिलाती है, वो एनर्जी की फॉर्म दिखाती है, कुछ एनर्जी हम हमारी बॉडी को देती है, जिस एनर्जी से हम लोग अपना डेली रूटीन का वर्क करते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में, यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बच्चा लोग, ठीक है। यही जो ये वही एनर्जी है जिस एनर्जी से आप अपना काम कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जूस पी लिया और तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ गई, नहीं, इसके बीच में एक पॉइंट होता है रेस्पिरेशन। आपने जूस तो पी लिया लेकिन जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ये ऑक्सीजन आपके सेल्स में एंटर करेगा और सेल्स में एंटर करने के बाद ऑक्सीजन प्लस फूड मिलकर के क्या बनाएगा, अभी भी मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी आपको दे देगा। चलो जी यहां तक की बात क्लियर हो जाती है, अब बात करते हैं आगे। अगर मैं फूड की बात करूं तो सीधी सी बात ग्लूकोज पर आती है, C6H12O6 बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं और ऑक्सीजन से मिलाने के बाद वही पहले वाली इक्वेशन रहेगी CO2H2O और एनर्जी। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करने के लिए यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहां पर O2 भी कितना लिया है 6 लिया है और CO2 भी कितना लिया है 6 लिया है। क्लियर है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट बात देखते हैं, देखें जरा स्क्रीन पर। अब इन दोनों में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेरी पूछ ली जाती है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए बच्चे लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की, देखो सबसे पहले अलग अलग बेसिस पर दिखाए गए 7 डिफरेंस यहां पर क्लियर किए गए हैं, है ना, डेफिनेशन के बेस पे, नेचर के बेस पे, एनर्जी, एंजाइम, सेल्यूलर असेंबली, बैलेंस रिसम बैलेंस एंड इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है, देखिए जरा अगर हम बात करें सबसे पहले डेफिनेशन के बेस पर, तो ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग इज द टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आवर ऑफ फॉरेन एयर, है ना, अंदर की एयर को बाहर निकालना और बाहर की स्वच्छ एयर को, साफ एयर को अंदर ले जाना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। बच्चा लोग बात करें रेस्पिरेशन की, इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है फूड का। नेचर की अगर मैं बात करूं, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है ना, इसमें रिएक्शंस होती हैं। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो याद रखेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है भैया। ब्रीथिंग कंज्यूम्स एनर्जी, ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, और रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी, रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी एग्जिट होती है। बात करें एंजाइम की, तो नो एंजाइम आर रिक्वायर्ड, ब्रीथिंग के अंदर कोई भी एंजाइम की डिमांड नहीं होगी, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ देना बात खत्म। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, चलो याद रखेंगे आप, इट इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, इसको एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। सेल्यूलर की बात करें, ब्रीथिंग इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। रसमीन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ ब्रीथिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सांस लेने का जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, वो अलग अलग होता है बच्चा लोग, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज द सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी में मैकेनिज्म जो होता है वो सेम साइज होता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, में केवल एक या दो ऑर्गन ही यूज होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गए या फिर आपकी नोज हो गई, ठीक है। उसके बाद की बात करूं रेस्पिरेशन, इवन एवरी सेल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स रेस्पिरेशन, बॉडी का जितना भी सेल्स होंगे सारे के सारे क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात समझ में, चले बच्चों अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं दो, मैं आपको बता देता हूं दो टाइप कौन कौन से होते हैं। देखो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन में दो टाइप होंगे, एक टाइप तो ऐसा होगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और दूसरा टाइप ऐसा होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर आ गई बात समझ में। अब उन दोनों को कैसे स्टडी करेंगे, देखें आप अपनी स्क्रीन पर, देखें जरा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइप, दो टाइप बने हुए हैं, फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड लिखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको एनॉक्सी भी बोलते हैं। देखिए जरा अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो क्या होता है, इसमें प्रेजेंटेशन होती है किसकी, ऑक्सीजन की, और एनारोबिक की अगर मैं बात करूं इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें याद रखना, ठीक है। चलो अब एक एक करके स्टडी करते हैं क्या क्या होता है मामला। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर वन एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चा लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या, O2 यानी ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, O2 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड सब्सटेंस ग्लूकोज एक्सेट्रा इनटू CO2 एंड H2O एंड एनर्जी रिलीज्ड, क्या हो जाती है इसमें, एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज्ड होती है। क्लियर आ गई बात समझ में। ग्लूकोज जो है आपका C6H12O6, ये कहां पर मिक्स होता है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे, देखो याद रखना,
जो सेल्स, ये सेल है पूरी की पूरी, इस सेल में यहां पर कोई क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस को छोड़ के और इस पूरी की पूरी सेल का जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट ही साइटोप्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है बचा हुआ पार्ट? साइटोप्लाज्मा कहला रहा है। आगे बात समझ में नहीं, अब देखिए इसके बारे में क्या बात बताई गई है कि ग्लूकोज जो है फूड के अंदर ग्लूकोज है वो कहां जाके मिक्स होता है, सीधा सीधा अगर बात करें साइटोप्लाज्मा में जाके मिक्स हो जाता है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाइरूवेट। किसमें कन्वर्ट होता है? ये पाइरूवेट क्या होता है? थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन है? सिक्स कार्बन है, लेकिन अगर कार्बन के तीन मॉलिक्यूल हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम? पाइरूवेट बोलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ इसमें ये पाइरूवेट बन जाएगा। और ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है कहां पर? याद रखना, ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है कहां पर? कन्वर्ट हो जाता है CO2, H2O और एनर्जी को बनाने में। और ये एनर्जी कहां पर कंज्यूम होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ये जो हमारी सेल्स है इसी सेल्स के बीच में, लो जी यहीं पर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पावर, या पावर हाउस भी बोल देते हैं। ठीक है, पावर हाउस होता है बॉडी का। बॉडी के अंदर जब आपने देखा कई बार खाना खाए बिना भी आप अपने डेली रूटीन के वर्क कर सकते हैं, है ना। आपने बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खाया लेकिन फिर भी आप अपने काम कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बची हुई है, जो ड्यू रिमेन्स एनर्जी बची हुई है, हाँ पावर हाउस, ठीक है, जिसको जो कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, जो आपको एनर्जी देती है काम करने के लिए। ठीक है भाई, चलो चले, ये इसमें लिखा हुआ है और एनर्जी इसमें रिलीज हो जाती है। अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको चीजें थोड़ी सी बता देता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो सिंपल सी बात यह है, आपको क्या लिखा है? साइट्रिक एसिड साइकिल लिखा हुआ है और यहां पर सीधा सीधा पाइरूवेट की ग्लूकोज जो है कहां पर कन्वर्ट हो जाता है? पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर आगे बात समझो, यही मैंने आपको बात बताई है। और ये एक नाम आ रहा है यहां पर एटीपी। एटीपी क्या है? ये एनर्जी की फॉर्म है, याद रखना। जो एनर्जी आपको पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट हुआ था? CO2 में, H2O में और साथ में एनर्जी में। और एनर्जी जिस फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिली है, या ऐसा समझ लें कि एक बैग के फॉर्म में मिली है, है ना, उस बैग का नाम है एटीपी, है ना। इसको मैं लास्ट में आपको कराऊंगा कि क्या है ये, वहां पर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये समझ लें कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है। ठीक है बच्चा लोग, चले इसके बाद बात करते थे सेकंड पॉइंट की, आवाज आता है नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, एनारोबिक, है ना। एनारोबिक की अगर मैं स्टडी करूं तो क्या क्या बताया जाता है एनारोबिक में? सीधा सीधा मैंने आपको बताया एनारोबिक कौन होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ये कंप्लीट होते हैं। इसके नाम की अगर बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनॉक्सी रेस्पिरेशन भी होता है। क्लियर आगे बात समझ में? ये दोनों के दोनों नाम ही सेम है। एनॉक्सी का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ना हो। देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली एंड एनर्जी लेवल इज लो। क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस? जहां पर पूरे तरीके से क्या ना हो, ऑक्सीडाइज्ड ना हो, यानी कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से कन्वर्ट ना हो। क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीडाइजेशन कहां से होगा? क्लियर है। और ये एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ये एनर्जी कैसी हो जाती है? लो एनर्जी हो जाती है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं आगे के बारे में। बच्चा लोग इसका डायग्राम कैसा बनेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहां पर गया? साइटोप्लाज्मा में गया और कन्वर्ट हो गया पाइरूवेट में। लेकिन पाइरूवेट में यहां पर एक समस्या आ रही है, क्या कि भैया यहां पर ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर याद रखना जो पाइरूवेटिक एसिड बना हुआ है ये यीस्ट के अंदर होता है नॉर्मली। और यहां पर क्या बात बताई गई है? अब्सेंस ऑफ O2, O2 की अब्सेंस में ये काम हो रहा है। यहां पर O2 अब्सेंस है ही नहीं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और एनर्जी में। सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर H2O ना बना के क्या बनाएगा बच्चा लोग? याद रखना यहां पर क्या बनाएगा? ये एथेनॉल बनाएगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात समझ में? यानी कि मेंबर ऑफ एल्कोहल यहां पर ये जनरेट करेगा। क्लियर आ गई बात समझ में आपको? और ये एथेनॉल ये क्या करेंगे? एथेनॉल क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, याद रखेंगे। ठीक है, ये यहां पर लिखा गया है। और इसी प्रोसेस को आपने पढ़ा होगा, कहां पढ़ा था? एट्थ या नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। याद रहेगी आपको बात? यहां तक की बात क्लियर है? तो एनॉक्सी रेस्पिरेशन में क्या होगा? वहां पर H2O के बेस पर क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। और इन द अब्सेंस ऑफ किसके बनेगा? O2 के बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
या ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन कर करके अपने डाउट उसमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चले अब देखते हैं आगे की अगर मैं बात करूं। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी के थ्रू बता देते हैं आपको, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो लर्न करने में। क्या बताया गया, ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड। अच्छा देखो दो चीजें हैं यहां पर, मैं आपको इसको बताने से पहले बता देता हूं। एक तो क्या था, एनारोबिक एरोबिक, है ना, और एक एनारोबिक, यानी एक में ऑक्सीजन थी और एक में ऑक्सीजन नहीं थी। अब अगर कहीं पर लेक ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, समझ में आ रही है, लेक ऑफ ऑक्सीजन आ जाए तब क्या होगा। देखो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आवर मसल्स बिकम फैटिगेटेड। जब हम कई दिनों तक कोई मेहनत नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी कैसी फैटी हो जाती है, मसल्स, एंड दे स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग इफिशियंटली। वे क्या करते हैं, आपस में रेगुलर केयर कंटिन्यूस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अवर हार्ट एंड लंग्स कांट प्रोवाइड ओ2 टू अवर मसल्स क्विकली एनफ। क्या होते हैं हार्ट और लंग्स, ये समझ लें आप, हमारी बॉडी के सबसे बड़े कौन है, मजदूर है, जिनके काम करते रहने से हमारी बॉडी सफिशियंट होती है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड नहीं करते, ये O2 प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स को, इट ब्रेक डाउन्स ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ये कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज को कहां पर कन्वर्ट करेगा, सबसे पहले सीधे फिर दोबारा से आ जाते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट कहां पर हो रहा है बच्चा लोग, पाइरूवेट में। और लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी तो बनाता है लेकिन साथ में कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, टू मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड बनाता है। क्लियर है बात समझ। और ये भी कहा था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है, साथ में क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, और कितने फॉर्म में बनाता है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है जो एनर्जी का काम करेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं, ऐसा समझ ले 2 बूंद जिंदगी की, ATP यहां पर ये काम करेंगे आपकी बॉडी के लिए। क्लियर आ जाती है बात समझ में, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 तरीके हो गए रेस्पिरेशन के, एक तो क्या हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड क्या हो गया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहां पर लैक्टिक एसिड बनता है, और थर्ड क्या हो जाता है, सॉरी जहां पर क्या बनता था, अभी पाइरूविक से हमने कन्वर्ट किया था, समझ में आ रही बात, एथेनॉल बनाया था जहां पर, और थर्ड आ जाता है लेक ऑफ ऑक्सीजन जहां पर लैक्टिक एसिड और प्लस 2 ATP बनते हैं, है ना। चलो इस बात को एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं बच्चा लोग, आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करके रखेंगे हम, है ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर में नई बातें पढ़ेंगे। देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्मा में गए, और पाइरूविक पाइरूवेट एसिड पर पड़ते हैं 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहला जाता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो एथेनॉल बनाता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन जो लैक्टिक एसिड बनाता है, लेकिन एनर्जी सभी में बन रही है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखने वाली होती है। थर्ड आ जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ O2, जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, ठीक है, CO2। अब ये याद रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, कि जो एथेनॉल बनता है वो कहां पर बनता है, यीस्ट में बनता है, और जो लैक्टिक एसिड बनता है वो कहां पर बनता है, मसल सेल्स में बनता है, जो CO2 है वो कहां पर बनता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। आगे बात समझ में कि नहीं, आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। चलिए बच्चा अब देख देते हैं आगे, नेक्स्ट बात को देखें जरा। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन लेने के, सांस लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, इनको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी चीजों को जब समझ रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ ब्रीथिंग, स्पाइडर की अगर मैं बात करूं तो बुक लंग्स होते हैं इसमें, ठीक है, चिकन की अगर हम बात करें, मुर्गी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है, और ये अलग अलग पार्ट दे, स्पोंगे दे रखा है, फिश दे, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, कैटरपिलर के अंदर स्प्रेकल्स होते हैं जो सांस लेने का काम करते हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में बच्चा लोग, इतनी बात समझ में आ गई। चले जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ATP आ गया, ATP क्या होता है याद रखेंगे, पावर हाउस होता है, सॉरी ये माइटो पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ही ATP एनर्जी की फॉर्म में रहेंगे। आगे बात समझ में, लिखा हुआ है स्क्रीन पर ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बात समझ में, दिस इज केमिकल एनर्जी विच इज फाउंड इन सेल्स प्रोवाइडेड अस एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी होती है जो कहां पर पाई जाती है याद रखना, सेल्स में, जो उनको एनर्जी देती है। आगे बात समझ में, क्लियर है। चलो जी अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कौन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक कौन होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, है ना। चलो जी एक एक करके क्लियर करके पढ़ लेते हैं इनको। एरोबिक की अगर हम बात करें, इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, ठीक है। एनारोबिक की अगर हम बात करें, इट ऑकर्स ओनली इन सम बैक्टीरिया, फंगी, जर्मिनेशन सीड्स, एनिमल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा। क्लियर है। चलो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एरोबिक, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनारोबिक, ये तुम जानते ही है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लूइड, ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है,
क्लियर है। और अगर बात करें एनारोबिक की तो क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो, थोड़े बहुत में भी चल पड़ेगा काम, ठीक है बच्चा लोग। इसके बाद नंबर फोर पॉइंट आ जाता है, स्क्रीन पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एनर्जी का काम करेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल एंड 280p मॉलिक्यूल्स। क्लियर आगे बात समझ में नहीं आगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा लोग, याद रखना ठीक है। एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस आता है, इसका स्क्रीनशॉट बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। मैं फिर सभी बच्चों से बोल रहा हूं कि सभी ग्रुप ज्वाइन कर लें, एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है ठीक है। और इसी के लिए मैं एक नई सीरीज भी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, एक दो दिन में ही वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिन बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं या जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को करा दिए हैं उसी के ऊपर कंप्लीट सेशन में लेकर के आने वाला हूं चैप्टर वाइज, और वहां पर तरीके से उसको एसेसन रीजंस मल्टीपल चॉइस वेरी शॉर्ट शॉर्ट सब तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।